हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉइल पीएच है। मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों सॉइल ऑर्डर के बारे में बात की थी, वो वीडियो काफ़ी बेहद अच्छी बनी है। आप लोग प्लीज़ जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर देखें, सॉइल ऑर्डर पर बहुत अच्छी वीडियो है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं सॉइल पीएच की। इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक जर्मन वर्ड है, पीएच जो है ये जर्मन वर्ड है। रेंज इसके 0 से 14 होते हैं और इसकी जो टर्म दिए थे वो साइंटिस्ट थे सोरेंसन। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इनके फुल नेम लिखे हैं, SPL सोरेंसन, सोरेन पीटर लॉरेंस सोरेंसन। इसका एक रीज़न है दोस्तों, जैसे आप कभी भी अगर इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपसे वहाँ पर उनके फुल नाम पूछ दिए जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे फादर ऑफ सॉइल साइंस VV डाकुचेव, ठीक है, VV डाकुचेव। तो आपको VV का भी मतलब शायद कुछ लोगों को ना मालूम हो, तो मैं यहाँ बता दूँ, VV का मतलब वैसली वैसिल्स एविच डाकुचेव। तो दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए, फुल नेम जानना बेहद ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने 1909 में पीएच टर्म को दिया था। ये एक डैनिश केमिस्ट थे। फार्मूला की हम बात कर लें तो पीएच इजकल टू होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ठीक है। अब कुछ टर्म मैंने यहाँ पर लिखे हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। द लोअर दिस कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल देन फास्टर द रेट ऑफ डिक्रीज इन सॉइल पीएच विद टाइम। जैसे दोस्तों समय के साथ क्या होता है, उसका जो समय के साथ है पीएच डिक्रीज हो जाता है, जबकि सॉइल में अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी अगर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइननेस ऑफ सॉइल पार्टिकल। यानी कहने का मतलब कि जितना भी जो पार्टिकल है फाइननेस, यानी कि जैसे सैंड सील्ड क्ले में अगर हम बात कर लें तो जो क्ले पार्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है, इसको आप उसके अंदर पोर स्पेस से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सैंड में होता है, जो सैंड में पोर स्पेस ज़्यादा पाए जाते हैं तो उसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होगी सिल्ट के अलावा। सिल्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं पोर स्पेस क्ले में जो होगी सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सॉइल पीएच में, इसकी हम स्केल की बात करते हैं। इसकी रेंज 0 से 14 होती है, 7 पे इसको न्यूट्रल, ठीक है। और आपको मैं बात करूं, ये जो पीएच स्केल मैंने बनाया है इससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आप फंगस जो है 4.5 से 6.5 के बीच में पाए जाते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज, जिस जैसे मिट्टी की जो खुशबू आती है बारिश, पहली बारिश के मौसम में एक्टिनोमाइसिस के कारण, ये पाए जाते हैं दोस्तों 7 से 8.5 के बीच के रेंज में। एंड जो बैक्टीरिया होती है 6.5 से 8.5, ठीक है। तो आप इसको ट्रिक से जैसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन पाया जाता है, तो फेसबुक FB यानी फंगस, फिर बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिस, आपको याद ही हो जाएगा 7 से 8.5, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, जैसे 7 को तो न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक है, और 8.5 से 14 को अल्कलाइन बोला जाता है, अल्कलाइन सॉइल। एंड 7 से 14 तो बेसिक आ जाएगा, और बेसिक में ही जैसे 7 से 8.5 को सेलाइन बोलते हैं। एंड 0 से जो 7 तक होता है इसको एसिडिक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहले एसिडिक की बात करते हैं। एसिडिक में जैसे इसमें कौन कौन से क्रॉप यूज किए जाते हैं, कौन कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं, फेवरेबल होते हैं ग्रो करने के लिए, तो इसमें राइस, टी, टोबैको, ठीक है। इसमें फर्टिलाइज़र कौन यूज किया जाता है, तो एमोनिकल फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है, ठीक है। जो 4.5 से जो नीचे होता है ये हाईली एसिडिक इसको माना जाता है, इस वाले एरिया को हाईली एसिडिक माना जाता है। और इसमें अगर जैसे बात करें तो फास्फोरस जो है ये ऑर्थोफॉस्फेट फॉर्म में पाया जाता है, H2PO4- एंड HPO4-2। एंड जो यहाँ पे अगर बात करें तो PO4-3 इस 7.2 पे, जैसे एवलिटी ऑफ फास्फोरस जो होता है वो 7.2 पे है सबसे ज़्यादा होता है। प्लांट जो होता है वो ऑर्थोफॉस्फेट फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करता है फास्फोरस को। अब हम बात करते हैं एसिडिक सॉइल में, इसको
अगर हमको रिक्लेमेशन करना हो, अगर इसका उपचार करना हो स्टिक सॉइल का, तो इसमें क्विक लाइम यूज करते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको जैसे कुछ लोगों को डाउट होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कैसे बोलते हैं स्लैक लाइम, तो दोस्तों मैं बता दूँ क्विक लाइम आपको जैसे क्विक मतलब होता है फास्ट जैसे, तो इसमें थ्री वर्ड ही आ रहा है CaO। ठीक है, तो आप क्विक से जल्दी याद कर सकते हैं, और स्लैक में होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस स्लैक लाइम ऐसे याद कर सकते हैं, क्विक में सिर्फ छोटा आता है, मतलब बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, मैंने इसलिए इसको बता दिया, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कलाइन सॉइल। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूपी में पाए जाते हैं, इसमें हम रिक्लेमेशन के लिए जिप्सन यूज करते हैं। ठीक है, CaSO4.2H2O। ठीक है, एंड सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल जो होता है ये सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है, और एस्टिक सॉइल दोस्तों बात कर दे ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये सेलाइन सॉइल की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है, एंड इसके रिक्लेमेशन के लिए पहले हम सबसे तो बेस्ट मेथड है जैसे कि इसको आप इरिगेशन कर दीजिए। ठीक है, उसमें आप उसको पानी से भर दीजिए खेत को, और उसके बाद फिर उसको पानी को कुछ देर बाद कुछ समय बाद उसको निकाल दीजिए, और नहीं तो FYM का भी यूज कर सकते हैं आप, फार्मयार्ड मैन्योर का, और अगर उसकी अनअवेलेबिलिटी है, अगर उपलब्धता नहीं है, तो आप वहाँ पर जिप्सम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो दोस्तों 0 से 7 जो होता है इसको हम रिडक्शन जोन बोलते हैं, या वाटर लॉक कंडीशन, इसमें जो होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, डाउट रहता है कैटायन किसको बोलते हैं, एनायन किसको बोलते हैं, तो कैटायन की जहां बात है वहां पॉजिटिव, एनायन की बात है वहां निगेटिव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 7 से 14 को, इसको ऑक्सीडाइज जोन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन जोन। ठीक है, एंड इसमें एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, जैसे कुछ जैसे हम पीएच की बात कर लेते हैं, जहाँ पे जो क्रॉप होते हैं उस किस पीएच में ग्रोन करना सूटेबल होते हैं, और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो किस पीएच पे पाए जाते हैं, तो राइस टी एंड कॉफ़ी ये जो होते हैं 4.4 से 4.5 के बीच में, ये मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन में ग्रो होते हैं। ठीक है, 4 से 4.5। नेक्स्ट जो है कॉपर बोरोन एंड जिंक, ये जो है 6 से 7 पीएच पर ये पाए जाते हैं। इसको आप ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों, एक बाइक होता है CBZ। ठीक है, CBZ एक बाइक होता है, तो आप इसको याद सकते हैं सी से कॉपर, बी से बोरोन, एंड जेड से जिंक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम NPK। NPK को ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, NPK को जो नाइट्रोजन है वो 6.5 से 7.5 में उपलब्ध रहता है, फास्फोरस है वो 7.2 पर, मैंने आपको यहाँ पे बताया था 7.2 पर, ये PO4-3 के फॉर्म में, एंड नेक्स्ट पोटेशियम जो होता है वो 6 से 7 के बीच रेंज के बीच में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम सल्फर एंड क्लोरीन। सल्फर एंड क्लोरीन ये जो दोनों हैं ये 7 से 8.5 के बीच में रेंज में पाया जाता है, एंड जो पोटैटो होता है वो 5 से 5.5 के बीच में ग्रोन होता है अच्छे से, एंड जो अल्मोनियम होता है वो भी 5 से 5.5 के बीच में पाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो लाइक